नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज भांडे नोडल अधिकारी SDM अरविंद माहौर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हर सेक्टर में जो मतदान केंद्र है वहां ब्लॉक के अंदर सेक्टर के पास बैठेंगे और उनको सामग्री वितरण के समय पर उनकी टेबल पर ही VM सेट और अन्य सामग्रियों का जो थैला है उनकी टेबल पर ही दिया जाएगा। कल हमने सबको 6:30 बजे बुलाया है और कोशिश यहाँ रहेगी कि सुबह 7 बजे से वितरण करना शुरू कर देंगे। इसमें सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था, EVM सिक्योरिटी के ये सेंट्रल पुलिस फोर्स भी लगा है और जो हमारा EVM स्ट्रांग रूम है उसमें 24 घंटे CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही है, जिससे कोई भी छेड़खानी नहीं हो पाए और EVM का मूवमेंट भी रहेगा वह पूरी कैमरे की निगरानी में ही होगा और कैमरे की निगरानी में ही वापस करेंगे, पर हमारी मतदान केंद्र सुरक्षित रहे इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में 260 मतदान केंद्र है, इनको हमने 32 सेक्टरों में बांटा है, तो ये 32 सेक्टरों को फिर हमने एक और चरण में 3 ब्लॉकों में बांटा, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और सी। ए में रहेंगे सेक्टर 1 से लेकर 10 तक, बी में रहेंगे 11 से लेकर 20 तक और सी में रहेंगे 21 से लेकर 32 तक। तो हर सेक्टर में जो जो मतदान केंद्र हैं वो ब्लॉक के अंदर अपने सेक्टर के पास बैठेंगे और उनको सामग्री वितरण के समय पर उनके टेबल पर ही EVM सेट और जो अन्य सामग्रियों का थैला है वो उनको टेबल पर ही दिया जाएगा काउंटर। सर कल कितने बजे वितरण करेंगे? सर कल हमने सबको 6:30 बजे बुलाया और कोशिश रहेगी 7 बजे से हम वितरण करना शुरू करना पड़ेगा। और सर यहाँ की सारी व्यवस्थाएं आपकी हैं, कितने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था प्लस BSF के जो जवान हैं सब इसमें? सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था, EVM सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल पुलिस फोर्स भी लगा है और जो हमारा EVM स्ट्रांग रूम है उसमें 24 घंटे CCTV कैमरा से मॉनिटरिंग हो रही है, जिससे कोई भी ऐसा उनसे छेड़खानी ना हो पाए और जो EVM का मूवमेंट भी रहेगा वो पूरे कैमरे की निगरानी में ही होगा और कैमरे की निगरानी में हम वापस करेंगे, तो उसमें कोई इस तरीके का जिससे कोई छेड़खानी ना हो पाए, कोई डेटा के साथ गलत ना हो पाए और जो हमारे वोट मतदान होकर आएंगे वो सेफ रहें, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। और फील्ड में भी जहाँ जहाँ EVM रहेगी उनके साथ पुलिस फोर्स रहेगा और जिस गाड़ी में EVM जाएगी उसमें GPS की व्यवस्था रहेगी जिससे उससे लोकेशन ट्रैक हो सके। व्यवस्था की है, प्रवेश द्वार पर ही उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो हर मतदान केंद्र पर एक प्रतीक्षा भवन कक्ष बनाया गया है, उनको अलग से बिठा के अंत में उनका मतदान करवाया जाएगा। इसके अलावा हर मतदान केंद्र पर टेंट व्यवस्था की है तथा 50-50 कुर्सियां बनवा दी, वहाँ बैठकर अपने जब भी उनका टर्न आएगा उसके हिसाब से इंतजार कर सकते हैं, जिससे उनको लाइन में न खड़ा होना पड़े। एक बार लाइन में अधिकतम केवल 5 लोग ही खड़े होंगे और उनको भी हमने घेरा बना बना के 2-2 फीट की दूरी पर खड़ा किया है। मास्क कंपलसरी वहां पर अनिवार्य तौर पर वितरित किए जाएंगे, सैनिटाइजर रहेगा और इस तरीके इसका पूरा इंतजाम रहेगा कि वहां पर कोई भीड़ न रहे।